जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। एक क्लास अपनी रोज सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है हिंदी साहित्य की, और यहाँ पर हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। और जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में जितने भी कवि और लेखक है सभी का जीवन परिचय आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। 47 इसमें प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, और इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो भी परचेस करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे गए हैं कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। संदीप जी, बिंदु जी, परमिंदर जी, हरमिंदर जी, क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है और 37 में आपका सही राइट आंसर होगा कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक माने जाते हैं कौन। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए 38वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 238वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक रचना जो है पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी नहीं है, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, बताइए। मेरे संधि पत्र या फाइल प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में या पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो 38 का सही राइट आंसर है, निम्नलिखित में से एक रचना जो है पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है और वह रचना है मेरे संधि पत्र, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल प्रोफाइल, जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में, और हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये जो है पत्र साहित्य माने जाते हैं। लेकिन मेरे संधि पत्र सूर्य बालाजी का उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 आपका पूछा गया है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे, किसके पत्रों का संग्रह है, बताइए। 239 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु या देवी शंकर अवस्थी या फिर रामविलास शर्मा। लवली जी, ममता जी, पूनम जी, क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का सही राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे, किसके पत्रों का संग्रह है, फणीश्वरनाथ रेणु आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे फिर से यहाँ पर डबल पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल तारा के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या फिर हरिओद। लाल तारा के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सोहिता जी, निशा जी और सभी लोगों का सही राइट आंसर आ रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना मानी जाती है, कौन सी, लाल तारा, लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना मानी जाती है। सभी लोगों ने विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है चेता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीर और दीवाने, ये रचनाएं भी किनकी मानी जाती है, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना मानी जाती है। कैदी की पत्नी ये अब भी पढ़ा पन्ने, ये भी जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 243 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, रामेंद्र जी, क्या होगा सही आंसर,
अपनी केवलधार काव्य संकलन की रचनाकार बताना है केदारनाथ अग्रवाल है या फिर केदारनाथ से है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है या फिर अरुण कमल है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 का आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर आ रहा है सुविता जी। विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? डी वाला विकल्प जो है आपका यहां पर सही राइट आंसर है, अरुण कमल यहां पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 244 दिया गया है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? अरुण कमल आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, चांद का मर्टेड़ा, मगध, सागर मुद्रा या फिर अपनी केवलधार। तो अभी पढ़ा अपन ने अपनी केवलधार काव्य संकलन की रचनाकार कौन मानी जाती है? वह मानी जाती है अरुण कमल, अरुण कमल जी की रचना मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 देखिएगा, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है बताइए। नए इलाके में ये कृति आपके लिए बताना है किनकी मानी जाती है। चार विकल्प दिए गए, बोधिसत्व की या फिर विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर ये कृति है अरुण कमल की, किनकी कृति है रीमा जी बताइए। नए इलाके में और विकल्प नंबर डी राइट आंसर आ रहा है, नए इलाके में ये जो कृति मानी जाती है वह अरुण कमल की कृति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। मुक्ति बोध की आत्मकथा इसके लेखक कौन मानी जाती है 246 में बताइए। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध। 240वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा सुनित जी? बिल्कुल निशा जी, और यहां पर आप सभी का सही राइट आंसर होगा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, विष्णु चंद्र शर्मा आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहां पर 47 पूछा गया है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहली आई बताइए। आरोही क्रम में बताना है आपके लिए क्या होगा सही राइट आंसर, समय के आरोही क्रम में अंधे नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद या फिर तुम चंदन हम पानी सरोज रावल जी। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 47 है और 47 का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि अंधेर नगरी। अंधेर नगरी आपका यहां पर सही राइट आंसर है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई अंधेर नगरी, यहां पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर बताया है। और भारतेंदु जी की रचना मानी जाती है अंधे नगरी, त्यागपत्र रचना जैनेन्द्र जी की मानी जाती है, आत्मनिपद यज्ञ जी की रचना है और तुम चंदन हम पानी ये विद्या निवास मिश्र की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 48वां क्वेश्चन पूछा गया है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती तो आलोचना रचना की अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? एक कथन आपके लिए 248 में बताना है बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड का, ये कथन बताना है आपके लिए। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो रचना तो आलोचना रचना के अर्थ का, तो एक कथन माना जाता है किनका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का गुरुप्रीत जी। विकल्प नंबर सी यहां पर सही राइट आंसर होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। शिल्पा जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर सी यहां पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान्यता, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है बताइए। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है या फिर बाबू गुलाब राय है या फिर रामचंद्र शुक्ल है या जयशंकर प्रसाद है।
क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही राइट आंसर होगा ये बाबू गुलाब राय जी ने ये जो है काव्य की परिभाषा दी है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 50 क्या पूछा गया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये उपरोक्त पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं बताइए, ये पंक्तियां बताना मदन जी किनकी मानी जाती है, धूमिल जी की है या फिर केदारनाथ सह या फिर गिरजा गिरिराज माथुर गिरजा कुमार माथुर होंगे या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 251 है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका माना जाता है बताइए, ये कथन आपके लिए बताना है शुभम जी, किनका कथन है, सुमित्रानंदन पंत जी का, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारी वाजपेयी या फिर नामवर सिंह। तो अरुचि जी विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि नंद दुलारी वाजपेयी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जिन्होंने सी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, उन्हीं के द्वारा ये छायावाद को परिभाषित इस प्रकार उन्होंने किया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म है किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था, इसके लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 252 पूछा गया है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी है या डॉक्टर नगेंद्र है, पंक्तियों के लेखक बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर ये पंक्तियां रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पंक्तियां मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये पंक्तियां मानी जाती है, बिल्कुल सही सुविता जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या मुक्तिबोध ने या रामविलास शर्मा ने। सरोज रावल जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 का सही राइट आंसर है हिंदी भाषा साहित्य संजू कुमारी जी, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी आलोचना में शुक्ल जी के चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला पूछा गया 54वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती, यह कथन किसका है, महत्वपूर्ण कथन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए, निशा वर्मा जी रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है या फिर श्याम सुंदर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो क्वेश्चन आपका 54 है और 54 का विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन माना जाता है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने ए चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए क्या है कि व्याख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर अह अटल सिद्धांत था, उपरोक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है बताइए,
ये पंक्तियां बता रहे हैं आपके लिए साकेत में है या फिर भारत भारती या फिर सिद्ध राज्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 255 यहां पर पूछा गया है और 255 में आपका भारत भारती राइट आंसर होगा। भारत भारती से पंक्तियां ली गई है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती में पंक्तियां संग्रहित है। अगला क्वेश्चन यहां पर 56वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति की है। ये आपको बताना है किस रचना की काव्य पंक्तियां मानी जाती है, बताइए आंसू की है या सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा या फिर निर्झरणी। और सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 में, लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। 56 में सरोज स्मृति जो है विकल्प नंबर बी वह आपका सही राइट आंसर है। सरोज स्मृति में ये पंक्तियां जो है उसी से ली गई है पंक्तियां, और ये जो पंक्तियां निराला द्वारा रचित जो सरोज स्मृति है उसकी ये पंक्तियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। 57वां क्वेश्चन है, क्या होगा जितेंद्र जी सही राइट आंसर। ये पंक्तियां किनकी मानी जाती है, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन या राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्रीधर पाठक। तो 57 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां मानी जाती है, विकल्प आपका यहां पर सी राइट आंसर होगा, जो कि यहां पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपका 258 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका माना जाता है, बताइए लक्ष्मण का या फिर जाम्बवान या सुग्रीव या फिर विभीषण, ये आपको चयन करना है। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका माना जाता है, और 58 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जाम्बवान आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा में एक कथन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 59 पूछा गया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, पंक्ति किस कवि की मानी जाती है। 259 का सही राइट आंसर बताना है प्रीति पुरोहित जी और राजन सिंह जी, बताइए ये पंक्ति आपको चयन करना है। प्रताप नारायण मिश्र की है, बालकृष्ण भट्ट ठाकुर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, ये जो है भारतेंदु जी की पंक्तियां मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है कौन माने जाते हैं। जीवन ज्योति जी क्या होगा सही राइट आंसर, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती है ये बताना है। तो 60 में आपका सही राइट आंसर है, ये पंक्तियां मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, प्रसाद जी की पंक्तियां मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है, बताइए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर राजा शिव प्रसाद, इन दो विकल्प में से ही आप चयन कीजिएगा सही राइट आंसर क्या होगा। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है
और विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही राइट आंसर होगा, श्रद्धा राम फिल्लौरी जी ने ए आरती की रचना की है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नबल प्रभास, ये आपको बताना है काव्य पंक्ति जो है किस कृति की काव्य पंक्तियां मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और 62 में चयन करना है चांद का मर्टीड़ा, साकेत, कामायली या फिर यामा। दिनेश जी और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, एक काव्य पंक्तियां जो है एक कामायनी की मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही सी जिन्होंने भी चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, ये पंक्तियां आपके लिए बताना है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए रचनाकार चयन कीजिएगा, प्रसाद जी की पंक्ति है, पंत निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो 63 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, ए पंक्तियां मानी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की, विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, प्रस्तुत पंक्तियों की रचना का जयशंकर प्रसाद है, यह पंक्ति जो है कामायनी के लज्जा परिच्छेद से लिए गई है ये पंक्ति। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 64 कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है, तो अब भी पढ़ा अपन ने ये कामायनी में ये पंक्तियां जो है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 265 आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां आपके लिए बताना है किस कवि की मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 265 है और 265 का सही राइट आंसर है नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या फिर सुदामा पांडे धूमिल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, बताइए इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 267वां क्वेश्चन है, देखिए गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधी भाषी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में है, ये आपको बताना है, निराला, पंत, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। 267वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, राजीव जी बताइए, विंदु जी, और सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर, ये पंत जी की पंक्तियां मानी, ये पंत जी यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, पंत जी की जो कविता है उन्हीं की कविता में ऐसे विरोधीवासी चमत्कार का सौंदर्य प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में कथन इनमें से किनका है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था यहाँ पर डबल हो गया है, बताइए किनका ये कथन माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारी वाजपेयी।
68वां क्वेश्चन पूछा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69वां क्या पूछा गया है, देखिए लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। ये कथन माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। 69वां क्वेश्चन पूछा गया है रॉबिन जी और राबिता जी, सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 में, विकल्प नंबर भी राइट आंसर है, यानी कि एक कथन भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 यहां पर पूछा गया है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका माना जाता है, बताइए। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये कथन आपके लिए बताना है किनका माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह। और राइट आंसर है रीमा कुमारी जी, विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। 70 में आपका विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता आपके लिए बताना है 271 में क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। ये पंक्तियां आपको बताने, इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है, निराला है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, विकल्प नंबर आपका बी यहां पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। और मैथिली शरण गुप्त जी को जो है गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की थी, पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा गया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां जो है निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, संजू कुमारी जी बताइए। ये जो काव्य पंक्तियां दी गई है किस कवि द्वारा रचित है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। और 72 का सही राइट आंसर आ रहा है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मानी जाती है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही थी, जिन्होंने यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 73, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूजे का जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, ये आपको बताना है कि उपरोक्त पंक्ति दिनकर की किस रचना में है, ये आपको चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 273 है और 273 में सही राइट आंसर है कुरुक्षेत्र या फिर रश्मि रति या फिर सामधैनी या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 73 में, आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, रश्मि रति आपका सही आंसर होगा, रश्मि रति जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर है रश्मि रति राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंकू मत, इस यह जो है किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, 274 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। लवली जी, बिंदु जी, अंश जी,
मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां मानी जाती है? और आप सभी का सही राइट आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति आपके लिए बताने किस रचनाकार की मानी जाती है? बताइए महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मीराबाई, सहजोबाई या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी गई आपसे यहाँ पर, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, और ये पंक्तियां मानी जाती है महादेव वर्मा जी के। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 276वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? 276 में आपके लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। माधव हम परिणाम निराशा है काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या फिर रसखान। दिनेश जी तो रमन नेगी जी राइट आंसर होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर बी यानी कि ये विद्यापति की जो है पंक्तियां मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विद्यापति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर से डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों की रचनाकार आपके लिए बताना है 78 में, बताइए ये पंक्तियां किनकी मानी जाती है? रघुवीर सहाय की है या फिर नागार्जुन, केदारनाथ से या फिर दिनकर। और 78वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय जी की पंक्तियां मानी जाती है, विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, रघुवीर सहाय राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 पूछा गया है, अवलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता आपके लिए बताना है, बताइए इसके रचयिता बताना है, किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं? अवलो नसानी अब न नसे हो, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। 79वां क्वेश्चन है और 79 का सही राइट आंसर है तुलसीदास जी की मानी जाती है पंक्तियां, अवलो नसानी अबना नसे हो, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 80 पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? बताइए, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई, ये पंक्तियां आपको बताना है विद्यापति की है, वल्लभाचार्य, विठल नाथ या फिर निम्बारिकाचार्य। जिया यादव जी, आस्था सिंह जी, क्या होगा सही राइट आंसर? लाइक अवश्य करते जाइएगा, सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया शेयर कर दें वीडियो को, और ये पंक्तियां मानी जाती है विद्यापति जी की, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा, विद्यापति की पंक्तियां मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीर्ति पताका की रचनाकार का नाम बताना है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? बताइए विद्यापति की रचना है, रामानंद, सूरदास या फिर विष्णुदास। 281वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सही राइट आंसर होगा 81 में, ये भी विद्यापति की जो है रचना मानी जाती है, कौन सी? कीर्ति पताका, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। देसल बैना सब जन मिट्टा, ते तेसन जपहु अभट्टा, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किस कवि की मानी जाती है? कबीरदास या फिर विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी, बताइए। महत्वपूर्ण पंक्तियां यहां पर पूछी गई है,
और सही राइट आंसर है यहाँ पर गुरप्रीत जी, जीवन ज्योति जी राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। ये भी जो है विद्यापति की पंक्तियां मानी जाती है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्या पूछा गया है। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानू है, ऐसे काव्य पंक्ति के रचयिता आपके लिए बताना है कौन मानी जाती है, बताइए। 283 वा क्वेश्चन है, ठाकुर या फिर भिखारी दास या फिर चिंतामणि या फिर दुजदेव। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानू है, इन पंक्तियों के रचनाकार आपके लिए बताना है, और 83 में सही राइट आंसर आ रहा है। प्रीतिपाल जी विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, ये ठाकुर जी की पंक्तियां मानी जाती है, ठाकुर जो है उन्हीं की पंक्तियां है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 84 पूछा गया है। सूर्य कवित्त सुनी कौन, कभी जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका माना जाता है, ये आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 84 में, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। पूर्णिमा मिश्रा जी और आप सभी का सही राइट आंसर है नाभादास, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा नाभादास, जिन्होंने विकल्प नंबर डी चयन किया है, ये नाभादास आपका सही आंसर है। सूर्य के संबंध में प्रशस्ति कथन किसका है, नाभादास जी का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 285 वा, भाषा निबंध अति मजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है, बताइए। 285 वा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और वाल्मीकि राइट आंसर है या फिर कालिदास, तुलसीदास या फिर जयदेव। 85 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, मदन जी, नीता कुमारी जी, और यहाँ पर सही राइट आंसर है तुलसीदास, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है तुलसीदास उनका सही राइट आंसर है, तुलसीदास होगा राइट आंसर प्रीतिपाल जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताइए कौन माने जाते हैं, सूरदास है, कुंभनदास है, मीराबाई है या फिर तुलसीदास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बताइए। और सही राइट आंसर है 86 में विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, ये मीराबाई जी की पंक्तियां, मीराबाई के गुरु रैदास थे उन्हीं जो है मीराबाई की पंक्तियां मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन मानी जाती है, बताइए। ये पंक्तियां आपसे यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जा रही है, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं कौन। हाँ सुनित जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर डी आपका सही राइट आंसर है, यानी कि बोधा जी की पंक्तियां मानी जाती है, बिल्कुल सही डी, जिन्होंने भी चयन किया बोधा उनका सही राइट आंसर है। विरह बारिश किसकी रचना मानी जाती है, बोधा जी की, ठाकुर आलम या फिर घनानंद। 88 वा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जिया जी, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बृह बारिश किसकी रचना है, बृह बारिश आपके लिए बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि ये बोधा जी की रचना ही मानी जाती है, कौन सी, बृह बारिश, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 पूछा गया है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुद्ध कहत सब कोई। काव्य विषयक परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की परिभाषा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 पूछा गया है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विभुत कहत सब कोई, ये आपको बताना है। तो विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है चिंतामणि, चिंतामणि आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर पूछा गया है, प्रभु जी तम चंदन हम पानी जाकि अंग अंग बास समानी। ये आपको बताना है किस ये पंक्ति किस संत कवि की है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रभु जी तम चंदन हम पानी जाकि अंग अंग बास समानी, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये रैदास जी की पंक्तियां मानी जाती है, पुष्पा कुमारी जी विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, सुबह 9 बजे एक क्लास होती है हिंदी साहित्य की, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लिया करें, बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। पूनम जी और मनीषा जी, आस्था जी, अंश जी, प्रीति जी, सुनीत सिंह जी, दिनेश जी, जीवन ज्योति जी, बिंदु जी, सुहिता जी, रमन जी, प्रीतिपाल जी, लवली ठाकुर जी, आस्था जी, मोटिवेशनल जी और नीता कुमारी जी, रजनी वाला जी, हरमिंदर जी, रीमा कुमारी जी, गुरप्रीत जी और राबिता मौर्य जी और निशा वर्मा जी, जितेंद्र जी, परमिंदर जी, अरुण जी, अंश जी और पूनम रानी जी, प्रीति पुरोहित जी, लवली जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार जी, हिंदी भाषा साहित्य संजू कुमारी जी और रीमा कुमारी जी, मदन तनवर जी, बिंदु लता जी और रेणु पंडित जी, बिल्कुल जिया यादव जी और पूजा जी, मदन तनवर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरमिंदर जी, पुष्पा कुमारी जी, शाम को 4 बजे क्लास चलती है, शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी सभी लोग जो है जुड़ा करिएगा। अरुण जी, ममता मेहता अधिकारी जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। निशा वर्मा जी, हरमिंदर जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु जी, बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आस्था सिंह जी, बिल्कुल लिंक हम उसकी दे रहे हैं, यहीं पर चैट में दे देंगे उसकी लिंक, तो देखिए लिंक देते हैं आपके लिए। ये रही लिंक आपकी यहाँ पर चैट में, तो सभी लोग उस चैनल से भी सभी लोग जुड़ जाएंगे। ये आपकी लिंक है, तो इस पर सभी लोग क्लिक कीजिएगा और चैनल को उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना।